राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर सामने आ रही है कि राजस्थान में तिजारा विधायक संदीप यादव ने भिवाड़ी को जिला नहीं बनाने पर विरोध जताया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विधायक ने RSRIDS चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। पायलट की बगावत के समय संदीप यादव सरकार से बेहद नाखुश सरकार बचाने में निभाई थी अहम भूमिका। बता दे संदीप यादव बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। लंबे समय से भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने बालोतरा को जिला बनाने की घोषणा की है। गहलोत ने पचपदरा विधायक मदन प्रजापत का नाम लेते हुए कहा कि अब मैंने इनके जिले की घोषणा कर दी है क्योंकि मुझे इन्हें चप्पल पहनानी है। बता दे राजस्थान में नए जिलों का गठन 15 साल के बाद हुआ है। राजस्थान में बीते 4 साल से नए जिलों की मांग जोर पकड़ रही है। CM गहलोत ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक 2023 पर रिप्लाई के दौरान 3 नए संभाग और 19 जिलों की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा विधायक मदन प्रजापत का नाम लेते हुए कहा कि अब मैंने इनके जिले की घोषणा कर दी है क्योंकि मुझे इन्हें चप्पल पहनानी है। बता दे बालोतरा को जिला बनाने की लंबे समय से मांग चल रही थी। बालोतरा विधायक मदन प्रजापत पिछले 1 साल से नंगे पांव चल रहे थे। आज जिस समय अशोक गहलोत ये घोषणा कर रहे थे उस समय मदन प्रजापत विधानसभा में ही मौजूद थे। घोषणा के बाद वे बेहद खुश नजर आए। मदन प्रजापत ने बालोतरा को जिला बनाए जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। प्रजापत ने कहा कि बालोतरा को जिला बनाने की लड़ाई नहीं, मैंने इसका प्रण लिया था। मैं मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बालोतरा की जनता की उम्मीदों को पूरा किया है। पूरी सरकार मंत्रिमंडल को PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सभी 200 विधायकों का आभार जताता हूं जिन्होंने पूरा सहयोग और साथ दिया। दोस्तों वीडियो को शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।